हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, वेलकम बैक इन माय वीडियो नंबर टू। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन माय वीडियो नंबर वन। सो आई विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। रीड द पैराग्राफ under the topic of photosynthesis on page number 1. Okay students, now I will explain what is photosynthesis. Photosynthesis is the process in which green plants manufacture their food and uses the light energy of the sun, but except light sunlight, some other conditions are also required to complete the process of photosynthesis. The other conditions are water from soil, sunlight, carbon dioxide in the air, and a green pigment called chlorophyll. Yes, students, hope you are listening carefully. Photosynthesis is a very complex process. यानी ये एक पेचीदा अमल है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक डिफ़िकल्ट या मुख्तलिफ अमल है, एंड इट हैज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें रॉ मटेरियल चेंज होते हैं ग्लूकोज में। एंड व्हाट आर आर रॉ मटेरियल्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस पूरे प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में शो कर सकते हैं। This is the equation जिसमें हमारे starting material यानी पानी और carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll change होते हैं glucose और oxygen में। Look at this equation at the end of the page of page number 1. This is carbon dioxide plus water. They uses sunlight and chlorophyll and change into glucose and oxygen. Now come to the page number 2. You can see the figure 1.1. This shows the process of photosynthesis. See, this is the process. This figure shows the process of photosynthesis. The sunlight comes from the sun. They take carbon dioxide from the air and water from the soil. Okay, read the complete row number 1 from here to here of page number 2. As you know that sunlight is the major source of energy for photosynthesis, and this process take place in leaves because they have some special organs called chloroplast which contain the green pigment कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आपने देखा होगा कि कुछ पौधों में पत्तों की जगह कांटे होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैक्टस का प्लांट, उसमें भी आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं वो नहीं होते बल्कि जो लीव्स की तरह की एक शाखें सी बनी हुई होती हैं उनके ऊपर कांटे होते हैं। और इसमें किस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसमें ये होता है कि इनका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है और वो इसमें मौजूद क्लोरोफिल से अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने बहुत सारे लीव्स ऐसे देखे होंगे, कोई उनमें से कोई एक पत्ता लें और उसको पलट कर देखें, यानी उल्टा करके देखिए, तो आपको बहुत सारी वेन्स नज़र आती हैं उसमें।
इसी साइड पर बहुत छोटे छोटे से पोर्स यानी सुराख होते हैं इन पत्तों के ऊपर, जो हमें अपनी आँख से तो दिखाई नहीं देते, बट यू कैन सी द पोर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू एस्टोमेटा. गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर मूव्स इन एंड आउट थ्रू एस्टोमेटा. दीज पोर्स कैन बी ओपन एंड क्लोज. यू कैन सी फिगर 1.2 फॉर ओपन एंड क्लोज एस्टोमेटा. दिस इज फिगर 1.2. This is the open stomata and it is closed stomata. Lastly, water is absorbed from the soil by small root hairs in the ground. There are special conducting long tubes called xylem which carry water to the food making cells in the leaves. ये जो xylem tubes हैं ये रूट से लेकर लीव्स तक जाती हैं और हर एक पत्ते को पानी पहुंचाती हैं. अब यहाँ यानी लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं. Now students, read the second row carefully on of page number 2. अब जो आपने देखा कि ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गई है. Now this glucose is then transported to the other parts of the plant body through special conducting tubes called phloem. फ्लोएम ऐसी ट्यूब्स हैं जो लीव्स में बनने वाली ग़िज़ा को पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाती हैं. ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो फौरन ही प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि उस प्लांट को एनर्जी मिल सके, एंड सम इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च और कुछ उसमें स्टार्च की सूरत में जमा हो जाता है और कुछ मज़ीद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाता है जिनको हम सेलुलोज कहते हैं. ये जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं ये वो यही स्टोर्ड फूड होता है जो कि मुख्तलिफ सब्जियों की शक्ल में हमें मिलता है और हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं. ग्लूकोज बनने के साथ साथ जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो ज़मीन पर रहने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यानी ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब इस्तेमाल करते हैं. हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. During breathing, we take in oxygen and give out carbon dioxide. इसलिए photosynthesis इस दुनिया में एक इंतहाई ज़रूरी process है, क्योंकि photosynthesis की वजह से जो oxygen release होती है वो तमाम जानदार अपने सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं और हम जो carbon dioxide release करते हैं यानी इंसान और जानवर जो हैं जब ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं. तो ये प्रोसेस इस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इस वजह से बे इंतहा एक ज़रूरी अमल है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2 and activity number 3 on pages number 2 and 3. Read them and try to do one of them at home, and do not forget to read "Do You Know" on page number 3. Rest of the topics of chapter 1 will continue in my next video number 3. Okay students, Allah Hafiz.